आपका नाम क्या है? मैडम मेरा नाम महेश है। मेघनाथ जोशी। मैडम सतीश शर्मा। मेरा नाम विनय कुमार। दूधनाथ। मेरा नाम राजनीति सिंह है। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हूँ। हम दिल्ली से हैं। लातूर महाराष्ट्र से हूँ। यूपी से हूँ। इलाहाबाद से। नवादा। कितने समय से लोग राम मंदिर के बारे में सुनते आ रहे हैं, अभी अभी रामनवमी खत्म हुई है, तो आपको क्या लगता है ये राम मंदिर अभी भी इलेक्शन का मुद्दा है? देखिए जी, राम मंदिर अभी तक हमें ये लग रहा है कि आप बन जाएगा बन जाएगा, अभी भी हम सोच रहे हैं कि आप बन जाएगा बन जाएगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि मंदिर जरूर बनेगा और यही सरकार बनाएगी और किसी सरकार के बस का भी नहीं है, मुझे लग रहा है बनाने। इलेक्शन का मुद्दा तो देखो, राम मंदिर के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर का काम अलग है, इलेक्शन की बात अलग है। राम मंदिर हम तो चाहते हैं कि जल्दी बन जाए, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जल्दी बनेगा, यही सरकार बना सकती है और किसी के बस का भी नहीं है। और कोई दूसरा सरकार मिली जुली सरकार आएगी तो उनका बनना मुश्किल ही लगता है, यही सरकार बनाएगी। नहीं मैडम, इलेक्शन का मुद्दा तो नहीं है, बाकी अब मोदी जी हमारे दोबारा सुपर पावर में आएंगे तो इससे भी अच्छे से बनवाएंगे। नहीं नहीं, राम मंदिर इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, राम मंदिर तो हर एक के दिल में राम मंदिर बनना चाहिए ऐसा सब लगता है। जब तक नरेंद्र मोदी सरकार नहीं आएगी तब तक ये राम मंदिर मंदिर नहीं बनेगा। अच्छा नहीं, ये तो मुद्दा का तो पता नहीं, हम ये चाहते हैं राम मंदिर बनना चाहिए, ये इलेक्शन का मुद्दा है या नहीं है इस बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें यह है कि हमें राम मंदिर हमारे लिए बनना चाहिए, हिंदू धर्म में हम हिंदू धर्म से हैं, हमारे लिए राम मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। वो तो इलेक्शन का मुद्दा हमेशा से ही लग रहा है जी, कई सालों से बन रहा है। अच्छा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं है, मुद्दा बहुत ही है, लेकिन जो कांग्रेस के जितने भी मंत्री और नेता थे ना, वो रखे हुए थे मुद्दा, राजनीति में इसको ले लिए, इसलिए आज तक के मुद्दा रह गया। नहीं तो अगर बीजेपी का शासन होता है, अभी 5 साल में क्या होने वाला है, लेकिन होगा, ये जरूर होगा, जरूर बनेगा, आज नहीं बनेगा तो कल बनेगा, जब उनका सत्ता आएगा मोदी के, तो फिर बकसने वाले उन नहीं हैं, कारण कि जैसा ने कि कर दिखाया है। श्री श्री रविशंकर ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर पंचायत की थी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं नहीं, वो उनके हिसाब से वो पंचायत कर लेंगे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अपना जो राम मंदिर जो है, राम मंदिर बन के रहेगा और बनेगा ही। नहीं, उन्होंने पंचायत भी करी है, सही किया है, उन्होंने मंदिर के बारे में ही सोचा है, मंदिर के लिए ही सब कुछ बनाने के लिए ही सोचा था, बहुत अच्छी बात थी, और ये डिले हो गया ना, ये थोड़ा सा बाकी वैसे बनाएगी तो यही सरकार ही बना सकती है। पंचायतें तो इससे पहले भी बहुत होती रही हैं, इसके बाद में भी होती रहेंगी, मगर सारा तो ये है ना, मतलब पंचायत तो बहुत ही हुई हैं, मगर क्या है कि कोई इसको उसमें लावे, अमल में लावे और मंदिर वगैरह बनवाओ, हमारे कहने का मतलब उनके बारे में वो भी जो भी बोले वो सत्य बोले हैं, कारण कि धर्म का जो निष्ठा है वो बहुत बेहतरीन है, और उसमें जो धर्म का जितने भी अनुयायी हैं हम लोग हैं, तो उसमें तो शरीकत है ही है, तो इसलिए मुद्दा है कि रामलला का मंदिर बने, कारण कि इनको तो राजनीति में ले आया, इनका जमीन भी तो है ही है, लेकिन वहाँ नहीं, कहीं गैर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ नहीं बनेगा, जहाँ पर वो जन्म लिए वहीं बनेगा और ज़रूर बनना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी वजह से हिंदुओं के हित में फैसला नहीं लिया तो हिंदुओं को क्या करना चाहिए? नहीं फैसला लिया तो हिंदुओं को लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना चाहिए, देश के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर मंदिर बनवाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना? कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन जब ये नेता लोग सोच सकते हैं, हम लोग इसके बारे में क्या करें? अच्छा, ऐसा तो कोर्ट नहीं कर सकता है, नहीं कोर्ट सुपर पावर है, किसी वजह से नहीं हो पाया तो ऐसा तो कोर्ट नहीं करेगा, कोर्ट को ऊपर पूरी विश्वास है, हिंदुओं को पूरा विश्वास है कोर्ट के ऊपर कि मंदिर बने। हिंदू को एकजुट होके जाना चाहिए और मुद्दा उठाना चाहिए कि राम मंदिर सबसे पहले बने। मैडम सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा कर नहीं सकती, वो तो मतलब उसके लिए तो सब एक समान है, तो क्या हिंदू क्या मुसलमान उनके लिए सब एक समान होते हैं? ऐसा किसी एक जाति के पक्ष में वो फैसला नहीं दे सकते।
हिंदू को आंदोलन करना चाहिए और आंदोलन करके ही राम मंदिर बनाना चाहिए, दूसरा कोई उसको उपाय नहीं है। अब वो तो कोर्ट तक कोर्ट जा रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, हमारा तो यही रहा है कि कोर्ट हमारे हित में फैसला करे। ये तो बहुत समस्या है, इस पर तो हिंदू लोग एकजुट होंगे तो सरकार पर हावी होंगे, जब हावी होंगे तो खुद उनको निर्णय लेना है, आज नहीं तो कभी भी निर्णय लेंगे। राम मंदिर की तरह कुछ अन्य मंदिर भी हैं, तो आपको क्या लगता है उन मंदिरों पर भी फैसला किया जाएगा या फिर उन्हें भी ऐसे ही भुला दिया जाएगा? नहीं मैडम, ये जो फैसला ये सबसे प्राचीन इसी का वो है, तो इसके बाद में ये दोबारा स्टार्ट हुए हैं, तो पहले इसके बाद में फैसला लिया जाए फिर उसके बाद में जिले फैसला लिया जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सारे काम होंगे, ऐसी बात नहीं। दूसरे मंदिर में भी फैसला हो सकता है, ऐसी बात है, ये तो बाद की बात है, पहले भगवान राम का मंदिर बने। नहीं नहीं, राम मंदिर का पहला मुद्दा है, बाद बाकी का मंदिर का अलग है, राम मंदिर का सब सबका भावनिक मुद्दा हो गया है और सबके दिलों में राम मंदिर, सबके दिलों में राम मंदिर है, और ये भावनिक मुद्दे को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, ये राम मंदिर बन के रहेगा ही। नहीं, मंदिर को बनाना नहीं चाहिए, और मंदिर का तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, राम मंदिर का ज़्यादा बड़ा मुद्दा है और राम मंदिर हमारे हिसाब से बनना चाहिए। नहीं, और मंदिर तो नहीं बुला सकते, लेकिन राम मंदिर पे विवाद चल रहा है इसलिए इसको बुला रहे हैं लोग कई सालों से। आडवाणी जी की सरकार आई थी, राम रथ यात्रा निकाले थे, तब भी नहीं बना मंदिर। बीजेपी की सरकार वहाँ पर आई थी अटल जी के साथ, तब भी नहीं आया। अब की बार मोदी जी की फुल बहुमत में आई सरकार और योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में फुल बहुमत में आई, तो इस साल तो बनना चाहिए था, लेकिन अब की बार नहीं बना, तो हो सकता है कभी भी मंदिर नहीं बनेगा जल्दी, क्योंकि केंद्र और यूपी की एक सरकार होगी तभी बन सकता है, नहीं तो इसे बन भी नहीं सकता जल्दी। उनके बारे में तो भी जो बात है वही जो मैंने बोल रहा हूँ, वही बात, वो सब मंदिर है, जितने भी मंदिर है सब भक्त का है, राम का है, और सब जितने भी हैं वो कर पा रहे हैं। जैसे अभी हम अच्छे धाम से आ रहे हैं तो वहाँ भी जो गुरु किए हैं वो सत्य बात है, धर्म के लिए हर काम किए हैं, अगर धर्म नहीं होता तो आज विनाश होता। धर्म ही एक ऐसा है जो कि अभी भी हिंदू धर्म रखे हुए है, और सभी जाति को, ये बात नहीं है अच्छा कोई जात पात से नहीं, और इससे ऊपर उठ करके भी देखिए तो मुद्दा सही है, इसलिए होना चाहिए, जरूर बनना चाहिए।